इत्र से वशीकरण, परफ्यूम से वशीकरण या खुशबू से वशीकरण और न जाने कितने ही नामों से यह प्रयोग जाना जाता है, पर नाम अनेक मतलब एक। नमस्कार साधकों, मंत्र साधना में आपका स्वागत है। साधकों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, जैसे धन से संबंधित आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा है या आपका शत्रु आपको परेशान करता है, तो आप हमारे हर दिन तांत्रिक उपाय से जुड़ सकते हैं। आपको हर दिन तांत्रिक उपाय बताए जाएंगे जो बिल्कुल निशुल्क होंगे। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके इन प्रयोगों का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए साधको, जानते हैं कि इत्र से आप किन किन लोगों पर वशीकरण कर सकते हो। और साधको, विश्वास करना, यह ऐसा वशीकरण होगा जो बहुत ही ज्यादा बेजोड़ और असरदार सिद्ध होगा। साधको, इत्र से आप बहुत से लोगों का वशीकरण कर सकते हो। इसके विपरीत हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि आप देवी देवताओं को भी विवश कर सकते हो। साधको, शास्त्रों के अनुसार इत्र को तीन प्रकार से बांटा गया है, मादक इत्र, सौम्य इत्र और सुगंधित इत्र। साधको, मादक इत्र का प्रयोग संभोग या काम वासना के लिए किया जाता है और सौम्य का मंदिर और पूजा में प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत सुगंधित इत्र सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। तो यदि आपके जीवन में कोई कामना है, उसकी पूर्ति में कोई रुकावट आ रही है, तो आप इस प्रयोग का निष्ठा भाव से प्रयोग कीजिए। सबसे पहले जानते हैं इसकी सावधानियां। इस प्रयोग में आपको मादक इत्र का प्रयोग करना है, जिसमें चमेली, मोगरा, चंदन और रात की रानी शामिल होते हैं। साधको, इसमें आप इत्र का ही प्रयोग करें, साधारण परफ्यूम मत इस्तेमाल करें और इस प्रयोग को दोनों पक्ष, स्त्री या अर्थात पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। और जो इसका मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व जगन मोहनम कुरु कुरु स्वाहा। साधको, यह मंत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो साधको, अब आपको करना यह है, आप शनिवार या मंगलवार के दिन दोपहर को 12 बजे आप समय का ध्यान रखिएगा। आप स्नान कर एक आसन पर बैठ जाएं, आसन चाहे जैसा भी हो। उसके बाद आप इत्र की बोतल को अपने सामने रखकर इस मंत्र का स्फटिक माला से 108 या 1008 बार जाप करें और जाप के बाद आप इत्र की तीन बूंदे कामदेव के नाम पर पीपल के जड़ में डाल कर आएं और उसके बाद आप स्नान करके इत्र को लगाकर उस जगह जाएं जहां आप सफलता पाना चाहते हैं। आप इत्र को लगाकर अपने प्रेमी या प्रेमिका के संपर्क में जाइए। जैसे जैसे उसके इत्र की महक महसूस होगी, वैसे वैसे वह आपके आगोश में आ जाएगा। साधको, इत्र से वशीकरण करके आप अपने प्यार, मानसिक शांति, धन आदि में अपूर्व सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप इत्र के प्रयोग से वशीकरण करें, आप पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ करें। मन में श्रद्धा और विश्वास से किया गया हर प्रयास आपको सफलता दिलाएगा। इत्र का प्रयोग करते समय ध्यान रहे, आप इत्र लगाकर सुनसान जगह या जंगल में ना जाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत और आत्माओं का आप पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा रात्रि में इत्र लगाकर सोना भी हानिकारक होता है। तो साधको, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इत्र से वशीकरण के नियमों का पालन अवश्य करें यदि आप चाहते हैं इस प्रयोग का प्रयोग करना। तो साधको, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी सहायता मिलेगी और यदि आप पूर्व निष्ठा से इसका पालन करते हो तो आपका काम भी जरूर बनेगा। तो साधको, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। ओम शांति।